मैं फैसला कर लिया। की फैसला कर लिया? यही कि तेरा भी अपने प्रभुए नाल करा दियो। दे तेनू यहो जी गल कर दे, शर्म नहीं आउंदी? शर्म ते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल असद बाला, बाला जी ऑफिशियल ते खुश आमदीद। तो जी दोस्तों, अज इधर मैं तुहानू फिर लै जावा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का लीजन फनकार रंगेला साहब की आखिरी रामगा। तो जी दोस्तों, वीडियो का आगाज करने सब तो पहले फातह खन कर लीए। जी दोस्तों, रंगीला साहब यानी कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी खिदमत उन्होंने दिती, सर अंजाम दिती, जिन्होंने यानी कि 600 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। रंगीला साहब वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का फनकार है जिन्हें कि हर शुबे के कामयाबी समेटी है, चाहे वह डायरेक्शन का हो, चाहे राइटर, चाहे प्रोड्यूसर, चाहे मौसीकीकार। उन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेहद ऐसे एक्टर से जिन्हें हर शुबे के कामयाबी समेट के विखा दिती सी। तो रंगीला साहब ने सन 1957 की फिल्म दाता तो कैरियर का आगाज़ किया। तो उस तो बाद उन्हें दूसरी फिल्म जी रिलीज़ हुई जट्टी के उनका मुख्य जहा रोल, मगर उन्होंने कामयाबी फिल्म हथ जोड़ी तो मिली। हथ जोड़ी के उन्होंने मनोहर शरीफ न यानी कि जोड़ी बनी, तो उन्होंने फन दिया यानी कि उस शोहरत बुलंदियों तो लै गई। तो उस तो बाद फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ऐसी जोड़ी आई कि कॉमेडी के एक नाम बन गया रंगीला और मनोहर शरीफ के नाँ से। उन्होंने नाम से फिर फिल्मा ही बनिया रंगीला और मनोहर शरीफ, रंगीला दो रंगीले। तो उस तो बाद उन्होंने यानी कि आपकी प्रोडक्शन दिल और दुनिया फिल्म प्रोड्यूस की और बड़े बड़े फनकारों हक्का बक्का हैरान कर दिता कि जिस तरह के फिर उन्होंने दियो और तूफान अपनी बनाई प्रोडक्शन दो रंगीले बनाई। उन्होंने बड़ा रूज देखा, मगर उन्होंने फिर इधर कुछ ऐसिया गलतियां कताइया उन्होंने को हुई। उन्होंने कुबड़ा फिल्म आशक बनाई, कुबड़ा आशक फिल्म बनाई तो वह फिल्म उन्होंने फ्लॉप हुई। तो उस तो बाद रंगीला साहब ने गल दिल ला ले, सारा नुकसान हो गया। तो उस वजह से फिर इन्होंने कैरियर तबाह हो गया, मगर इन्होंने फिर उस तो बाद काम जारी रखा। उस तो बाद हीरो तो ना बन सके, मगर सपोर्टिंग रोल करते रहने, चाहे वह विलन सपोर्टिंग हो, चाहे एक्टर करैक्टर का किया इन्होंने। तो इस तरह यानी कि उन्होंने फिर आखिरी फिल्म आदि प्रोड्यूस की सी खूबसूरत शैतान 1994 के अदायतकार फिल्म साज रंगीला साहब सन, तो हीरो सन इन्होंने बेटे सलमान रंगीला साहब। वो एक यानी कि सुपर फ्लॉप फिल्म साबित हुई। तो रंगीला साहब ने गल दिल उतला ली, रंगीला साहब बीमार हो गया। तो इन्होंने यानी कि उस वजह तो यानी कि तबीयत खराब रहने लग पी। तो इन्हों फिर गुरदियों का मरज हलाक हो गया। तो इन्होंने आखिरी फिल्म बनारसी चोर काम किया, सऊद सैम वाली फिल्म सन 2000 रिलीज़ होने वाली फिल्म सी। तो उस तो बाद इन्हें यानी कि काफ़ी बीमार रहन लग पाया। तो साडा जिहड़ा रंगीला साहब ने मई दे विच यानी कि इन्हां दी वफात हो गई 2005 वफात हो गई। अल्लाह पाक इन्हां दे अगले जान सवारे, अल्लाह पाक जन्नतुल फरदौस च आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।